47 साल पहले जब साइड एक्टर बना हीरो, नई हीरोइन की हुई शादी, सुपरहिट साबित हुई थी ये 1 करोड़ की फिल्म। सुपरहिट फिल्म कालीचरण से बॉलीवुड के डायरेक्टर सुभाष घई ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म को डायरेक्ट एनन सिप्पी ने प्रोड्यूस किया और कहानी जैनन जैन ने लिखी थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय जैसे ब्लॉकबस्टर जोड़ी थी। इसके साथ ही फिल्म में दोनों के अलावा प्रेमनाथ, डैनी मदनपुरी, अलका, विजू खोटे, डेविड अब्राहम, दिनेश ठाकुर, कृष्ण धवन जैसे सितारों की लॉटरी लग गई थी। कालीचरण फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा रीना की केमिस्ट्री को दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार किया। ये पहली बार था कि किसी फिल्म में इनकी जोड़ी बनी थी। इसके साथ ही शत्रुघ्न के लिए ये फिल्म सबसे खास थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के जरिए वह बतौर लीड एक्टर कास्ट किए गए थे। इससे पहले उन्होंने पिछली फिल्मों में साइड रोल ही किए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उन्होंने छोटे मोटे रोल से शुरुआत की थी। उन्होंने कई फिल्मों में कभी सपोर्टिंग रोल तो कभी चंद मिनटों के किरदार में नजर आए थे, लेकिन उनकी किस्मत 1976 में आई फिल्म कालीचरण ने चमका दी थी। कालीचरण से पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेम पुजारी, साजन, प्यार ही प्यार, बनफूल, रामपुर प्रकाश, लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, हीरो और ब्लैकमेल में अपने मेरे अपने सबके खिलौना है, दोस्त, आगरे लग जा, झील के उस पार और गैम्बलर, रास्तों का पत्थर, यार मेरी जिंदगी, शान, काला पत्थर जैसी फिल्मों में साइड रोल प्ले किया था। IMDb की रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना कुल बजट भी वसूल किया था और ये बहुत अच्छी मात्रा में मुनाफा था। ये 1976 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म करीब 1 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और फिल्म ने लगभग 5 करोड़ का बिजनेस किया था। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ECP इंडिया।